मायावती जी कसम खाई कि समाजवादी से कोई रिश्ता नहीं है, फिर बुआ बन गई। कैटरीना कैफ को नहीं शादी करना चाहिए, उससे गलत मार दिया, अति कहमत को नहीं मानना चाहिए। गर्लफ्रेंड जा रही, इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। बस ये चार बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। गर्लफ्रेंड जा रही, जाने, हम दिलाएंगे तुम। तुम आईएएस बन जाओ, तुम क्यों परेशान हो, बॉयफ्रेंड जा रहा है, जाने, जो जा रहा है उसको जाने दो। किसी को ना तो समझाओ ना किसी को पकड़ो। जब तक तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है तब तक किसी से मत उलझो, मतलब ही नहीं है, उलझो ही मत। और लड़कियों को तो खासकर मैं कह रहा हूं, तुम इस भारत में तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम्हारे पास शक्ति है। देखो दिल्ली में घटना घटी नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी वजह क्या है, जनसंख्या, 1,50,00,000,000 की जनसंख्या, तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें अगर स्वतंत्रता जाननी है क्या होती है तो तुम्हें शक्ति पाना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए तो जीवन, और मस्ती से तैयारी करो, फालतू में शक्ति पावर किसी भी कीमत पर। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम चले जाओ, वहीं 4 घंटा रहो, शरीर की तो शक्ति बढ़ रही है, ध्यान करो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ तो पॉजिटिव जा रहा दिमाग में। शक्ति, सबको हटा दो अपने जीवन से, शक्ति किसी भी कीमत पर। सुनो यार, किसी की बात को सुनो, कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा, सुनो, मजा लो उसका भी। तुम हर आदमी को जवाब देने जा रहे हो, तुमको तो हर आदमी को जवाब देना है फालतू का। तुमको कोई गाली दे रहा है, हमेशा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुमको गुस्सा दिलाना चाहता है, क्योंकि गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुमको कोई प्रेम प्रपोज कर रहा है, हमेशा प्रेम नहीं है, तुमको उलझाना चाहता है। प्रेम है तो 2-4 लाख रुपया दे दो, बाद में मिलना, जब मेरा एग्जाम हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगा तुमको। कोई भी तुमको प्रपोज करे, कह दो भैया 5 लाख दे दो और परीक्षा दे ले, फिर इस पे डिस्कस करेंगे, अभी मत छेड़ो। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। समय, इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले, मत पढ़ो मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो उसमें, जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो, मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा, उठा लो और चेस खेलो। चाल चलोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया, चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन चेस। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, और चेस को टॉप मॉडल में डाल दो कंप्यूटर में, और तुम कंप्यूटर का दिमाग जानते ही हो, और अगर तुम साल भर बाद कंप्यूटर को हराने लगे दिन भर में 100 गेम,
चाहे तुम नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाओगे, लेकिन रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम खेलना तो सीखो, तुम नाहक में टेंशन लियो, समय समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, गलत मार दी अतीक अहमद को, नहीं मारना चाहिए, तुम्हारे रिश्तेदार है, नहीं नहीं ऐसे ही गलत हो रहा, कैटरीना कैफ को नहीं शादी करना चाहिए उससे। कैटरीना कैफ किससे शादी की है? विक्की कौशल से। हाँ विक्की कौशल बताओ, उसका मन वो किसी से शादी करे, कौवे से करे, बिल्ली से करे, तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम कहे मरे यार, अपने आप को तुम बहुत सिकंदर समझ रहे हो। लेडी है, औरत की मर्जी, इसलिए तो औरतों को कभी आजादी नहीं दी गई, उनकी मर्जी, वो किसी को चुने, यही तो बात है, उनकी मर्जी। लक्ष्मी जी निकली समंदर से, देवता और असुर दोनों कह रहे शादी कर लो, जाके विष्णु जी को चुन ली, उनकी मर्जी। और जितने लोग उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उनके अपने तरीके हैं टॉर्चर करने के। तुमको लौकी नहीं पसंद है, लौकी ही बनाएंगी, लौकी बनाएंगी, लौकी ही मिल रही थी, बाकी कह रहे थे आलू में जहर आ रहा है, जाओ बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। चाय का होके बना दो, चाय बना, दूध फटा, दूध दूध फाड़ देंगी, नमक डाल देंगी उसमें थोड़ा सा, चाय बना के हल्का नमक डाल देंगी, दूध ही फट गया, बिगाड़ लो। हर आदमी को बदला लेना आता, छोटा सा बच्चा है उसको तुम टॉर्चर करते हो, वो तुम्हारा आईफोन उठा के 14 मंजिलों से गिरा दिया ऐसे, फिर तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है कि अब मारो। समय का मिसयूज मत करो, मत करो मत। मोबाइल उठा लो कोई बात नहीं, पर चेस खेलो, मोबाइल उठा लो, डॉक्यूमेंट्री सुनो। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मोबाइल में नहीं है? अभी डालो ना रशियन रेवोल्यूशन, तुरंत वीडियो आ जाएगा। तो तुमको हर चीज को पॉजिटिव बना लेना है। समय, संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई कोई नहीं बचा, कोई कोई है ही नहीं, अपवाद है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं हो गए। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से, तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो, क्योंकि अभी वो क्या कह रहा था उसका महान रिया मनोज, उसने इन लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, उसने क्या कहा, मौज बना लो, जिसमें तुम्हें मजा आएगा, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो जाओगे उसको और करोगे। और चौथा सब इंटरेस्ट, कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। वीडियो मत बनाने लगो तुरंत, आजकल तो एक्सीडेंट हो जा रहा, लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं। इतना काम कर लो, बस ये चार, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो, कुछ भी करो अपने। तुम्हारा रूम पार्टनर बीमार है, उसको हॉस्पिटल, तो वहां इंटरेस्ट की बात नहीं, हर जगह नहीं लगाना है। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि यार हमारे साथ लखनऊ चले चलो, जाओ उनके साथ। और सबसे ज्यादा ख्याल माँ बाप का रखो, सबसे ज्यादा। एक घंटा अगर वो नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तुम उनसे डेली बात करो। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली ट्रिपल अलायंस को छोड़ के ट्रिपल एंतोंत की तरफ चला गया बीच में, तो फिर सर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ फिर वो कैसे हो गया? देखो बेटा, यहाँ पर मायावती जी जो है ना, कसम खाई, कसम मायावती जी कसम खाई कि समाजवादी से कोई रिश्ता नहीं है, फिर बुआ बन गई। ये राजा लोग हैं बेटा, ये राजा लोग हैं, राजा राजा का ध्यान किस पे? तभी तो मैंने तुमको ये चार बातें बताई, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये
राजा वो है जिसके सामने सिर्फ एक चीज है, उसका इंटरेस्ट। इकरा आईएएस बाय ओझा सर अपने कानपुर में लेकर आ गए हैं दिल्ली के टॉप फैकल्टीज, जिनकी हेल्प से ना सिर्फ यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होगी बल्कि बेहतर गाइडेंस भी मिलेगी। इकरा आईएएस कानपुर में दिल्ली के कौन कौन से टॉप फैकल्टीज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए है वन एंड ओनली ओझा सर, इकोनॉमिक्स के लिए एसके झा सर, इंडियन पॉलिटी के लिए संजय सर एंड ज्योग्राफी के लिए रब्बानी सर। तो ज्वाइन कीजिए एनसीईआरटी एंड जीएस प्री का मेंस बैच, आइए इकरा आईएएस बाय ओझा सर, नियर 9 नंबर क्रॉसिंग, शारदा नगर, अपने कानपुर शहर में यार।